कल संसद की पटल पर राहुल गांधी का बेबाक अंदाज देखा, सब लोगों ने सराहना की। सत्ता पक्ष बीच बीच में उठकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, क्या कहेंगे सर? कल राहुल जी ने देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पे सदन में चर्चा की और सरकार को कटहरे में पेश किया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि विपक्षी नेता को टुक्का टक्की करने के लिए खुद प्रधानमंत्री, खुद गृह मंत्री, खुद रक्षा मंत्री और खुद खेतीबाड़ी मंत्री को सामने आना पड़ा, जो कि बहुत ही एक अचंभे वाली बात है कि उनकी जो उनकी स्पीच थी, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन का मुद्दा हो, तीन कानूनों का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सरकार को इस तरह से घेरा कि और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आके लड़े हैं। और उनके अपने जो मेडन भाषण था, पहला भाषण था, उसने सरकार की सभी नीतियों की, जिनकी वजह से देश का जो हाल हुआ है, धज्जियां उड़ाकर रख दी और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उनके भाषण को बीच में टोककर वो उनको जवाब देने लगे। जी, आप क्या मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है, आप पटियाला से आते हैं, काफी लोग वहां से देश सेवा, देश प्रेम भावना रखते हैं, वहां से बीएसएफ में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। देखो, अग्निवीर का मुद्दा भी मेरा भी मुद्दा है, देश का मुद्दा है। इसके अलावा पंजाब के मुद्दे बहुत मुद्दे हैं, पंजाब के घग्गर दरिया का मुद्दा है, पंजाब के राजपुरा से चंडीगढ़ रेल लाइन का मुद्दा है, और पंजाब के दूसरे जो मुद्दे देश के मुद्दे हैं, जो संस्थान हैं, जो संवैधानिक संस्थान है, जिस तरह उनका हनन हुआ है, ईडी है, सीबीआई है, इन ये दूसरा ये इलेक्शन कमीशन है, मीडिया है, और जब भी और जुडिशरी तक जो हमला किया गया है, तो उन सब के बारे में बकायदा बोलूंगा और अपना पक्ष रखूंगा। जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, जलंधर में उपचुनाव है, उसको लेकर भी कांग्रेस क्या तैयारियां कर रही है? उसको लिए कांग्रेस पूरी सतर्क है, सरगर्म है। मैं भी जलंधर जा रहा हूं एक दो दिन में, हम वहां डेरा डाले हुए, हमारे सभी देश के प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर साहबान हैं, तो हम अवश्य वो जलंधर वाली सीट जीतेंगे। एक रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उनके इस्तीफे को लेकर उनकी पार्टी में बगावत शुरू हुई है, एक राजनीति रूपरेखा तैयार करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और तमाम जो लोग हैं वो, उनको लेकर ये कह रहे हैं कि अब ये पार्टी में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखो, जो अकाली दल ने जो 15-20 साल भाजपा की छत्रछाया में राजनीति की है और जिस तरह का पंजाब के एजेंडे को त्याग दिया है, पंजाब के मांगों को त्याग दिया, किसानी को त्याग दिया, अपने कार्डरों को त्याग दिया, और भाजपा के साथ जो नापाक गठबंधन था उसके खिलाफ पार्टी सफों में काफी रोष है, और जो नेतृत्व है अकाली दल का, जिसके ऊपर दो बदनुमा दाग लगे हैं, एक नशों की तस्करी का और दूसरा गुरुवान साहब की बेअदबी का, वो उसको धो नहीं पाए। सभी का नतीजा कि आज अकाली दल पंजाब में एक बिल्कुल कमजोर हालत में पड़ गया है और पार्टी में फूट पड़ गई है। पर मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश के लिए एक क्षेत्रीय दल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अकाली दल को अपने संकट को बैठ के हल करना चाहिए और देश में और प्रदेश में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में उनको बचे रहना चाहिए।